झारखंड के बच्चों को टीकाकरण, पोलियो की खुराक जैसे कई कामों को अंजाम देने वाली सहिया को सरकार द्वारा हटाए जाने के विरोध में सहियाओं ने निरसा विधायक से मिलकर अपनी बातें रखी और इस पूरे मामले को सरकार के पास रखने की मांग की। निरसा विधायक ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सहिया को रखने में असमर्थ है तो राज्य सरकार सहिया को रोजगार दे। साथ ही कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की बात कह रही है, दूसरी तरफ धनबाद में 610 सहिया को हटाने का आदेश दे दिया गया है। सरकार का आदेश निकला है जो स्वास्थ्य सहिया जो काम कर रही है सारी क्षेत्र में, विशेषकर चाहे वो सहिया हो या सहिया साथी हो, इन लोगों को हटाने का आदेश किया गया है। और इससे धनबाद और झरिया मिलाकर 610 और 29 सहिया को हटा दिया गया। एक तरफ सरकार महिलाओं को स्वरोजगार या रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जहां इन लोगों को मानदेय तक नहीं दिया जाता इन लोगों को हटा दिया जा रहा है। तो 12 साल काम करने के बाद लोगों को मानदेय मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, इन लोगों को हटाने का आदेश दिया जा रहा है। ये हम समझते हैं जो केंद्र एवं राज्य सरकार का अन्याय है और इन लोगों को इमीडिएटली राज्य सरकार अपने, अगर केंद्र सरकार ने पैसा बंद कर दिया तो राज्य सरकार खुद पैसा देकर इन लोगों को बहाल करे एवं राज्य भर की स्वास्थ्य सेवा जो है वो सुचारू ढंग से चले। आज विधायक जी अरूप चटर्जी को हम लोग अपना ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग के साथ 12 वर्षों से बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम लोग अपना जीवन का बहुमूल्य समय 12 वर्ष हमने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में दिया है और आज अचानक हटाने का मतलब ये बनाया जा रहा नीति कि सभी सहिया को हटा देना है। ग्रामीण में सहिया का आवश्यकता था, शहरी में सहिया का आवश्यकता नहीं है। तो हमको सरकार को यही कहना है कि 12 वर्षों तक जब हमने बिना मानदेह लिए अपना जीवन का 12 वर्ष दिया है तो अब इस अवस्था में, इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे। तो यही सब गुहार लगाने के लिए हम लोग विधायक जी के पास आए हैं और अपने अपने लिए कुछ मांग कर रहे हैं कि हम लोग को रखा जाए, हम लोग नियमित रूप से ही हमेशा काम करेंगे पूरी उम्र।